हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनाने का मौका लगा है और पुरानी वीडियो की तरह इंट्रोडक्शन हम दोनों का। मेरे दोस्त अकमल, अभी वीडियो में जो लेट हुआ है वो इसलिए हुआ है कि पिछले 2-2.5 महीने से काफ़ी चीज़ें रही हैं, क्योंकि वीडियो बनाना जो है वो मेरी हॉबी है। तो अगर आप फुल टाइम देते हो तो कंटिन्यू वीडियो बना सकते हो, अगर फुल टाइम नहीं देते हो तो बहुत मुश्किल होता है फुल टाइम वीडियो बनाना। अभी हम लोग इंडिया में ही हैं, कहीं जाने का मौका मिल नहीं रहा है, तो हम दरियागंज में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा दरियागंज घुमाएँगे। आ गए हैं जी हम दरियागंज से छितली कब्र पे, और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हो, कि आपको कोई भी बेकरी की आइटम लेनी हो, हाँ ये देखो ये बैठा है भाई। तो भाई ये छितली कब्र पे डायमंड बेकरी है, बहुत पुरानी और बहुत दूर दूर इनका माल जाता है, तो इनसे अभी हम कुछ बेकरी की आइटम खरीदेंगे। और अगर आपको कभी पुरानी दिल्ली में आना हो छितली कब्र पे, तो डायमंड बेकरी पे आकर के आप बेकरी की आइटम खरीदो, इनकी आइटम बहुत अच्छी होती है। और ये छितली कब्र का नज़ारा है रात का, सब दुकानें खुली हुई है, अब भीड़ आज रश कम लग रहा है मुझे। ये देखो भाई, ये इनकी पैकिंग है प्रिंटेड, ये इनके हैं, ये इनके केक रस हैं, और वो रस भाई इंडिया में मशहूर है, ये बहुत लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे लेकर के जाते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के इनके बिस्किट हैं, ये देखो, और ये फेमस है टेस्ट की वजह से, जो टेस्ट इनके यहाँ मिलेगा ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, डायमंड बेकरी का कोई पेड, हाँ पेड प्रमोशन नहीं है ये तो मैं आज आया था, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, वो आपको आगे बताऊंगा। तो मैंने सोचा कि पुरानी दिल्ली दिखा देते हैं आपको। देखो ये जो है, ये जो ऑथेंटिक तरीका है बिल्कुल वो है, अभी तो ओवंस चल गए हैं, लेकिन इनके यहाँ अभी भी उसी तरीके से जिस तरीके से पहले टाइम में बिस्किट बनते थे वो उसी तरीके से बन रहा है। ये भाई लेडीज सामान है, ये सर में डालने की चोटियाँ, अब तो बहुत टाइम हो गया देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी भी बिक रही हैं, कोई शायद डालता है इनको। ये छितली कब्र से जो रास्ता है ये पूरा जाता है जामा मस्जिद की तरफ, जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 की तरफ। भाई ये फेमस इत्र की दुकान है, पुरानी यहाँ पे परफ्यूम, मीर परफ्यूम, बहुत पुरानी दुकान है यहाँ की। भाई ईद के बाद जो है, हालांकि रश कम है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, और जब फुल रश होता है तो आप ज़बरदस्त यहाँ पे भीड़ रहती है। जो आप चिकन टिक्के और सीख कबाब, और बस हम लोग इस रोड के एंड में रेस्टोरेंट्स की बड़ी लाइन लगेगी, करीम और जवाहर होटल जो है वो इस रोड के एंड में है, और हम लोग जो है गेट नंबर 1 की तरफ। ये देखिए यहाँ पर बेकरी, और ये असलम चिकन जो आपने देखा होगा बहुत फेमस है, ये परफ्यूम्स की शॉप खुल रही हैं, और वो आगे हम गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट जो है वो बढ़ते चले जाएँगे। तो यहाँ पे ये देखिए बिरयानियाँ और आप जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर पूरा आपको भीड़ मिलेगी, और खाने जो है वो तो नो डाउट यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, तो कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर आइए टेस्ट करने के लिए। और ये यहाँ की दूध भवन जो है बहुत पुरानी दुकान है, दूध है, पिरनी है, और भाई ये क्या क्या हो रहा है, अच्छा ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये दूध जो है गर्म भी हो रहा है, और ये मशीन लगा दी है इन्होंने। तो भाई ये देखो आप, ये दूध की बॉटल, और ये फिरनी है इनकी, और ये लस्सी है, और ये हाजी जी हैं जो ऑनर है इस दुकान के, और भाई इन्होंने हमारे लिए मंगवाई है ये लस्सी। हाँ ये लस्सी जो है इतनी गाढ़ी होती है कि इसको खाना पड़ता है। भाई हाजी जी ने हमें जो है लस्सी दे दी है, और लस्सी है अल्टीमेट ये। ओए होए भाई, मैंने लस्सी तो बहुत पी है, लेकिन बाकी यार इसका टेस्ट जो है ज़बरदस्त भाई, बहुत बेहतरीन लस्सी है। तो भाई लस्सी तो हमने ख़त्म कर ली है, बहुत शानदार लस्सी, और मुझे दिल्ली में इतना टाइम हो गया, लेकिन
ये जो हमारे दोस्त हैं इनसे दोस्ती भी बहुत पुरानी है, लेकिन लस्सी पीने का जो मौका है ये यहाँ पे पहली बार मिला, जबकि हम रेगुलर कंटिन्यू यहाँ जामा मस्जिद पे आते रहते हैं। तो ले भाई ये देखो भाई, ये जो है किसी का घर पे खाना बन के जा रहा है, दावत हो रही किसी की, तो जनाब ये यहाँ पे खाना बनाओगा किसी का और वो जा रहा है। भाई ये देखो यहाँ का जो है असलम चिकन, ये असलम चिकन है भाई, बड़ा फेमस है आजकल ये यूट्यूब के ऊपर। ये देखो भाई ये शेख खड़े हैं सोने की चेन डाल करके, भीड़ का आलम देखो भाई, भाई शेख बहुत सारे खड़े हो गए। ये तो यहाँ पे ये ट्रेन कब से चला है यहाँ पे? अच्छा अच्छा भाई, ये कारपेट भी जा रहे हैं। अच्छा ये जवाहर होटल आ गया, यहाँ का पुराना मशहूर मारू है, और इसके आगे जो है करीम होटल है। भाई गेट नंबर एक पे पहुंच गए हम लोग और बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये जो एक रात का नज़ारा कुछ ऐसा है, वो पतंग रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं, पतंग रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं। अब ये तमाम जो है रेस्टोरेंट यहाँ पे ऊपर तक खुल गए हैं, और इस गली से हम आए हैं सामने, ये गली जो है चिपली कबर पे जाती है यहाँ से। और ये भाई जामा मस्जिद के बाहर के रेस्टोरेंट और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और ये कुर्ते पजामे फूट, ये जो दिल्ली की रौनकें हैं ना ये बस अलग है, इसका मज़ा यहीं पे है, ये मज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। लखनऊ के बारे में सुना है मैंने, लेकिन का इतना आइडिया नहीं है, लखनऊ में शायद इस तरीके का होता है। ये जितने भी रेस्टोरेंट आप देख रहे हो ना ये सब यहाँ पे किताबों की दुकानें थी, इसको उर्दू बाज़ार बोलते हैं, और धीरे धीरे ये किताबों का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है और तमाम जो है ये रेस्टोरेंट का काम यहाँ पे शुरू हो गया है। और ये कुरैशी कबाब जो है बड़ा फेमस हो चुका है, ये भी असलम फूड, तौसीफ की बिरयानी, कुरैशी के कबाब, ये सब बड़ा फेमस हो चुका है। तो भाई हम लोग जो हैं अब आ गए हैं मोती महल डीलक्स रेस्टोरेंट के अपोजिट साइड, दरियागंज रोड पे वो रहा है रेस्टोरेंट, और ये जो है सब खाने की दुकानें हैं ना यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। तो इस रोड के ऊपर जो है ना एक नया फूड हब जो है वो डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे एक फैसिलिटी तो ये है कि भाई कार पार्क हो जाती है और जामा मस्जिद पे कार पार्क नहीं हो पाती। तो अगर कभी आपको अच्छे जो है खाने वो ट्राई करने हो यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे गाड़ी पार्क हो रही है देखो ये साइड में हो जाती है। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि हमने वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो भाई देखो ये जो है ना मेरी हॉबी है, मेरा फुल टाइम जॉब ये नहीं है वीडियो बनाना, और मेरा बिजनेस भी है। तो बिजनेस के सिलसिले में जब मैं कहीं जाता हूँ या किसी काम के सिलसिले में जाता हूँ और कभी घूमने भी जाता हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, और वीडियो बनाने में मुझे अच्छा भी लगता है, और अच्छा अब तो आप लोगों का प्यार मिल रहा है तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कुछ काम इतना ज़्यादा बिजी हो गए, वीडियो नहीं बना पाए, फिर उसके बाद रमज़ान आ गए और कुछ इश्यूज ऐसे रहे जिसमें हम बहुत ज़्यादा बिजी रहे, तो कहीं पे जाने का मौका मिल नहीं पाया, कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहे, तो इसलिए वो जो है कहीं पे टूर हुआ नहीं है, तो वीडियो नहीं बनी। तो हालाँकि जो है हमारा दिल्ली जो है वो बहुत अच्छा है, और मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ की बहुत सारी वीडियोस बनाऊँ, वो जगह दिखाऊँ जो मैंने कम देखी है, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। हालांकि जामा मस्जिद तो एक फेमस जगह है, हर आदमी यहाँ के बारे में जानता है और जो है दुनिया घूमती है, लेकिन अब मेरा इरादा ये है कि मैं अच्छे तरीके से यहाँ की वीडियोस बनाऊं और ये जो है आप सब लोगों को बताऊं यहाँ के बारे में। तो क्योंकि हमारी दिल्ली बड़ी अच्छी है और बड़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे जो है अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे दिखाएंगे, और जो हमारा बाहर का टूर रहता है वो वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। तो आज बस इतना ही, थोड़ा सा गैप हो गया उसके लिए जो है मैं सॉरी, और अपना प्यार जिस तरीके से आप सब ने मुझे दिया है मेरी पिछली वीडियो में, इसी तरीके से जो है आपका प्यार हमें चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करने से जो है वीडियो को थोड़ा सा प्रमोट करता है YouTube, और उससे जो है रीच बढ़ जाती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नई जगह पे, किसी नए टॉपिक पे और कुछ नई बातों के साथ।